चांद चलने लगा था जो आज का एपिसोड था, उसने भाई मेरे दिमाग के सारे पर्दे फाड़ दिए। सच में दिमाग के पर्दे फाड़ दिए। मुझे लगा था जो पराश है, पसाम ना ना क्या नाम है उसका, नाम ही नहीं मुझे पहली बात तो बोलना था क्या नाम है उसका। ठीक है, वो अपनी मतलब जो तारा की बहन है और जो उसकी होने वाली बीवी है, उसके कलर को देख के शायद इंस्टिगेट हो रहा होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। वो उसके कपड़ों को, उसके शॉर्ट कपड़ों को, उसकी जो स्किन दिख रही है, उसकी वजह से काफी ज्यादा ऑफेंड हो गया था। और उसके बाद जो हरकत उसने की है, सीरियसली मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। पर्सपेक्टिव मैं दे रहा हूँ अपना, स्टोरी से रिलेटेड, रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं, क्योंकि यार ऐसा होना स्टोरी में कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, तारा के साथ उसकी जो हर मतलब वो थी, उसकी इंटेंशंस वो सही नहीं थी, बट कि बहन के साथ उसकी इंटेंशंस इतनी जल्दी खराब हो जाएगी जबकि उसकी शादी होने वाली उसके साथ। मतलब सच में समझ ही नहीं आई हुआ क्या है, सीरियसली समझ नहीं कि इसका क्या सेंस बनता है। बट चलो, अब उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की, तारा की बहन वहां से किसी तरीके से भागती है, तारा वहां पर मिल जाती है। ठीक है, लेकिन तारा मिलते उससे पहले भी बड़े कांड होते हैं। और तारा और देव के बीच में जो आज हमें सीन देखने को मिले, जो शॉट्स देखने को मिले, ओ भाई, अलग ही मतलब सेटिस्फेक्शन, अलग ही मतलब मजा आया मुझे। मुझे खूब मजा आया देखने में, क्योंकि वो चीज एक ऐसी थी जो मतलब कहीं ना कहीं ऐसी थी जो मतलब चाहिए थी यार। बहुत ज्यादा सीरियस शो चल रहा, कुछ ज्यादा कॉमेडी कुछ भी मतलब ऐसा हमें देखने को मिल नहीं रहा था। कुछ मतलब देखने को मिलना चाहिए था, एंड फाइनली मिल गया। और मुझे ये चीज देख के अच्छी लगी कि चलो आज जो कॉमेडी का जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया है वो अब चलता रहे, रुके ना, वो चलता रहे चलता रहे चलता रहे। बट भाई अब आगे ये होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता, क्योंकि हमारी एक थिंकिंग है, हमारी सिर्फ एक सोच है कि आगे ऐसा चलता रहे, बट ये आगे एक्चुअल में आगे ऐसा चलेगा या नहीं चलेगा वो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। बट इसके बाद हमें जो दूसरी चीज देखने को मिली वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, वो ये कि भाई हमारी जो क्या नाम है, मतलब जो ये है क्या नाम है इसका, तारा। ठीक है, तारा वहां पे किसी ना किसी तरीके से बहुत ज्यादा मतलब डायरेक्टली फ्रैंकली एक तरीके से मतलब ऐसा देखने को मिल रहा कि वो हो रही है उसके साथ फ्रैंक। ठीक है, और कहीं ना कहीं मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये दोनों क्लोज हो रहे हैं, बट एक्चुअल में इनके क्लोज होने से रिलेटेड क्या चीज़ है, क्या नहीं, कैसे क्या हो रहा है, वो हमें पता कब पता चलता है? वो तब पता चलता है कि जब हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो दोनों हैं, मतलब हमारी जो तारा और ये है क्या नाम है देव है, वो दोनों जब एक दूसरे को कोशिश करते हैं कि किसी प्रॉब्लम में मुसीबत में ना डाले, तब। अब तारा का क्या था, तारा ये कोशिश कर रही थी कि वो मतलब जब जुगनू आते थे वो आगे जाके उसको देखने की कोशिश कर रही थी, मतलब होता नहीं बंदा कि हाँ भाई मैं समझा इस वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, वो देखता नहीं कि आगे पानी है क्या है क्या नहीं, वो ऐसे आगे बढ़ने जाती थी। ये देख के देव आके उसको रोकता है और वो गिर जाता है। यहाँ पे वो घबरा जाती है कि भाई देव ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे उसकी एक हमें देखने को मिलेगी, वो बंदी सच में एक्चुअल में केयर करती है देव की। बट जब देव ने बोला तारा को कि जा जाके पानी में बोट आगे चली गई लेकर आ, तो फिर वहां पे वो डर जाती है, वो नहीं जा पाती। तो फिर पे देव आगे जाके देखकर आता है। पर ये चीज देखने में मुझे मतलब इंटरेस्टिंग और बड़ा मजेदार लगता है कि भाई कितने इंटरेस्टिंग तरीके से ये चीजें कर रहे हैं यार। मुझे बड़ा मजेदार लगा यार, बहुत ज्यादा मजा आया यार देखने में, बहुत ज्यादा मजा आया। बस अब आने वाले एपिसोड को देखने में मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि आगे हमें देखने को मिलता है कि जो ये पलाश है, ठीक है, वो अपनी वाइफ जो है होने वाली उसको भाई पकड़ता है मतलब करने के लिए जबरदस्ती, जिसकी वजह से क्या होता है, वो भागते भागते आती है तारा के पास, जो वहां से जो देव था उसके पास से बोट का सहारा लेके फटाफट पहुंचती है। और फिर वहां पर क्या होता है, पराश को वो थप्पड़ मारती है, लेकिन पराश के दोस्त आके उसको पकड़ लेते हैं तारा को, और जो उसकी बहन थी उसको भी और ले जाते हैं कहाँ पर, वहां पर जहां पर हमारा जो देव है उसका रूम है, जहाँ पे वो सारी मीटिंग्स करता है, सब कुछ करता है वहां पर। अब इसके बाद
इसके बारे में देखने को मिलता है कि हमारा जो बादशाह है जो सब देख रहा होता है वो, मतलब मुझे काफी ज्यादा मिलता है कि हाँ ये बंदा कूद के अपने जो वो बना हुआ है उस कूद के पास जाएगा और जाके लड़ेगा तारा के लिए, बट नहीं, वो किसके पास जाता है, वो भागते भागते जाता है देव के पास, और फिर देव उस पे बैठ कर फटाफट तारा के पास आएगा और फिर यहाँ पे होगी फाइटिंग वाइटिंग जो भी होगी उसको देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि आखिर आने वाले एपिसोड में क्या होगा, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद इसी एपिसोड में हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने इतनी ज्यादा ऐड डाल दी कि हमें एपिसोड में आगे क्या होगा वो देखने को मिला ही नहीं, क्लिफ हैंगर पर छोड़ दिया। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आने वाले एपिसोड को लेकर क्या एक्साइटमेंट है या नहीं, और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, एंड इसी तरीके से चांस देने लगा कि अगले एपिसोड की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट।